प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर जी हमारे साथ हैं। और लोकेंद्र जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहती हूँ कि ये जो लोकसभा चुनाव है, प्रत्याशी के चेहरे पर है या मोदी जी के चेहरे पर है? ये चेहरा है भारत के प्रतिमान का, और उस प्रतिमान का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस समय देश का नहीं, पूरी दुनिया का अभिमान है, और उनके नाम पर, उनके चेहरे पर निश्चित तौर पर चुनाव हो रहा है। मोदी जी की गारंटी और राम जी की कृपा, ये दो मुद्दे बड़े हैं इस चुनाव के। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 370 पार करना। 370 यानी जो कलंक था उसको धोया है और उसके अभिमान की, उसकी स्थापना करने के लिए, भावनात्मक जागरण करने के लिए देश में 370 पार करना है हमको सीट। 370 हर बूथ पर हमें वोट बढ़ाना है, और एनडीए के 400 पार ये लक्ष्य लिया है, और मोदी जी के नेतृत्व में कुछ भी मुमकिन है। 370 बीजेपी और एनडीए 400 पार, 29 फूलों का क्या? नहीं, 29 की 29। कमलनाथ को नाकों चने चबाना पड़ रही है। पिछली बार अपने बेटे को एन प्रकार वो बचा पाए, इस बार परखच्चे उड़ने वाले हैं। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। ऐसी क्या टैक्टिस अपनाई है भारतीय जनता पार्टी ने? कोई टैक्टिस नहीं है। राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ाया, सांस्कृतिक जागरण किया है, राष्ट्र को ताकतवर बनाया है, राष्ट्र को समृद्ध बनाया है। ये राष्ट्रीय चुनाव है, ये लोकल मुद्दों का चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की सरकार ने जन कल्याण के प्रतिमान खड़े किए हैं। आज खुशहाली आई है, और विकास, समृद्धि, सुरक्षा, इस पर चुनाव हो रहा है। और कांग्रेस जो सदैव सेना को गाली देती है, सेना के अध्यक्ष को गली का गुंडा कहती है, सेना आतंकवादियों को मारती है तो हिसाब मांगती है, उसका हिसाब किताब जनता करने वाली है। इस बार श्री राम जो है आपके खास मुद्दा आपने बना के रखा? नहीं, राम राजनीति का विषय नहीं है। कांग्रेस ही तो राम के विरोधी है, राम के दुश्मन है, राम के द्रोही है। इन्होंने राम सेतु तोड़ने का पाप किया, राम मंदिर नहीं बने, इसलिए करोड़ों रुपए नेशनल हेराल्ड घोटाले के लगाए न्यायालय में वकीलों को फीस देने में कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। कपिल सिब्बल के नेतृत्व में किससे छुपा है? राम तो इनके लिए कल्पना के पात्र हैं, काव्य शास्त्र की चीज है, राम तो हुए ही नहीं है, तो ये राम की चर्चा करने का अधिकार इनको नहीं है। उनके लिए कल्पना का पात्र है राम, और आपके लिए श्रद्धा का पात्र है। आपके लिए रोम रोम में बसे हैं, जिस रोम को उखाड़ोगे उसमें राम निकलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और जिस रोम को उखाड़ोगे उसमें से राम द्रोह निकलेगा, जो कांग्रेस है। लोकेंद्र आशा जी, मैं आपसे एक सवाल और करूंगी। राम के नाम पर, मोदी के नाम पर प्रत्याशी का मैं फिर पूछना चाहती हूँ कि प्रत्याशी का क्या? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, सारे प्रत्याशी में मोदी समाहित हैं। प्रत्याशी हमारी बहुत सौम्य है, शालीन है, विनम्र है, और उनकी अपनी एक छवि है। निश्चित तौर पर प्रत्याशी की छवि भी काउंट करती है, लेकिन ये सारा चुनाव मोदी जी के लिए है, ये सारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारत की मजबूती के लिए है, वही मुख्य मुद्दा है। मुख्य मुद्दा विकास है, भारतीय जनता पार्टी है, मोदी है, और श्री राम है। ये लोकेंद्र जी हमारे साथ हैं। लोकेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।